केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी लिखित दलील में कहा है कि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल, आपको बता दें तुषार मेहता ने यहां पर दलीलें रखी थी, सुप्रीम कोर्ट की जो 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ है उनके सामने ये दलील रखी गई। एएमयू को अल्पसंख्यक का टैग न मिले क्योंकि इसका राष्ट्रीय चरित्र है, ये केंद्र सरकार की तरफ से जो दलील दी गई है। और ये कहा गया है कि एएमयू हमेशा से राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय रहा है, किसी विशेष धर्म का नहीं हो सकता। आज़ादी से पहले भी एएमयू राष्ट्रीय महत्व का संस्थान रहा है। मोदी सरकार का रुख यहाँ पर यूपीए सरकार के रुख से अलग है। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, और यूपीए सरकार, तत्कालीन यूपीए सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की थी। फिर 2016 में जब केंद्र में एनडीए सरकार बनी तो उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लेने की बात कही थी। मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल की दलीलों से केंद्र सरकार की, मौजूदा केंद्र सरकार उसकी स्थिति स्पष्ट है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, ये दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी गई। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों के संविधान पीठ के सामने आखिरी कानूनी लड़ाई यहां पर चल रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा, इस पर एक अंतिम सुनवाई, बड़ी कानूनी सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों के संविधान पीठ के सामने ये सुनवाई हो रही है। दूसरा दिन है सुनवाई का और यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लिखित जवाब दाखिल किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से ये जवाब 7 जजों के संविधान पीठ में दाखिल किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि एएमयू को अल्पसंख्यक का यानी माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ये राष्ट्रीय महत्व का की यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है और इसलिए ही इसको स्थापित किया गया था, और संविधान भी अन्यथा कहीं किसी भी तरीके से इसे अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी नहीं मानता, बल्कि इसे जो है वो राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय मानता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद से ही एएमयू को हमेशा राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था, ना कि अल्पसंख्यक का दर्जा, भले इसकी स्थापना किसी ने की हो। और ये केंद्र सरकार ने कहा है, जबकि 2005 में जो यूपीए की सरकार थी उसने खुद सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 में एएमयू का जो अल्पसंख्यक का दर्जा था उसे रद्द कर दिया था। उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एएमयू भी आया और केंद्र सरकार जो यूपीए की सरकार थी वो भी आई, लेकिन इस बीच एक बड़ी घटना हुई जब 2016 में जो एनडीए की सरकार आई उसने अपना हलफनामा, अपनी अपील वापस ले ली, अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया ये कहते हुए कि उसका ये रुख अब नहीं है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई में बड़े सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली ये बेंच है, उसने ये पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक जो संस्थान है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को, छात्रों को ही प्रवेश दे, वहाँ पर उसी तरीके के जो जो पाठ्यक्रम है वो चलें, ऐसा भी होना चाहिए कि बाकी छात्रों को भी यहाँ पर प्रवेश दिया जाए। तो एक बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है और इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यहाँ पर जो एएमयू की तरफ से राजीव धवन आर्ग्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो अजीज बादशाह का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का, वो ठीक नहीं था, जिसने ये कहा था कि अल्पसंख्यक का दर्जा इस तरह नहीं दिया जा सकता है, उसको बदलने की ज़रूरत है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय महत्व की बात है वो पूरी तरीके से देखनी चाहिए, किस तरह से उसकी स्थापना हुई, जैसे चैरिटी संस्थान होते हैं, जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में बनाया गया है उसी तरीके से एएमयू का दर्जा भी है। तो एक लंबी चौड़ी सुनवाई यहाँ पर हो रही है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि अगर अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं होगा तो फिर एएमयू को जो है वो जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं आरक्षण को लेकर वो तमाम लागू करने होंगे, और वो सिर्फ माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों को ही जो दाखिले देने के लिए जो आरक्षण देता है वो नहीं मिल पाएगा। तो एक बड़ी सुनवाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।